मैं बना रही हूँ मुगलाई मटन, जिसके लिए मैं 1.5 केजी मटन धुल के से अच्छे से रख लिए हैं। ये 2 मीडियम साइज के प्याज जिसे मैं कट कर ली हूँ, 3 स्पून अदरक लहसुन है, ये 1 कप दही है, ये काजू पेस्ट है, 15 से 20 काजू था जिसे मैं पेस्ट कर ली हूँ। ये कुछ स्पाइसेज है, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कूटा लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा जिसे मैं भून के पीस ली हूँ, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, ऑयल 1 कप मैं डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। देखिए ऑयल गरम हो गया, अब मैं ये प्याज ग्राइंड किया हुआ मैं इसमें डाल दूँगी, इसे अच्छे से 2-3 मिनट तक मैं भून लूँगी। इस तक तक चापन बस ख़त्म हो जाए, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, बस हल्का ये भून लिए हैं। अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए मैं प्याज के साथ इसे 3-4 मिनट तक पका ली। अब मैं इसमें लहसुन अदरक ऐड कर देंगे, लहसुन अदरक अच्छे से मिक्स कर लें। लहसुन अदरक डाल के मैं इसे अच्छे से 3-4 मिनट तक भून ली। अब मैं ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। दही भी ऐड कर देंगे, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली, मैं इसमें पानी मैं नहीं डाली हूँ, दही डाली हूँ, पानी छोड़ेगा। मैं इसे 3 सीटी 1 हाई फ्लेम पे 2 लो फ्लेम पे लगवा लूँगी। देखिए सीटी लगवा लिए, 2 लो फ्लेम पे 1 हाई फ्लेम पे, ये भून भी गया है। अब मैं इसमें ये काजू का जो पेस्ट है मैं इसमें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए मैं इसमें काजू का पेस्ट डाल के अच्छे से भून रही हूँ। इसी में ये क्रीम है मलाई का, ये क्रीम दूध से मैं ली हूँ। ये 2 टीस्पून मैं दूध से मलाई निकाल के मैं इसमें डाली हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अब हो गया, आपको जितना ग्रेवी डालना हो उतना आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे चूल्हे से उतार लूँगी और डिश आउट कर लूँगी।